महानगर में 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। महानगर में लगाए गए शिविर का मंगलवार को जिलाधिकारी केवीएन पांडियन और एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक कोरोना जांच कराने की अपील की। जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि महानगर के सप्ताह में 5 दिन 22 केंद्रों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें लोग जाकर कोरोना की जांच करा सकते हैं। एसडीएम सदर ने कहा कि आशा और एनएम को निर्देशित किया गया है कि वो लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच शिविर पर जांच कराएं और यह जांच बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है, जिससे कि अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रख सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, दूसरा होता है ये महंगा होता है, हमें दवा महंगी लाना पड़ता है, और तीसरा ये भी होता है गरीब लोग डरते हैं कि 14 दिन घर के अंदर बंद रखना पड़ता है, अपने रोजी रोटी खत्म हो जाता है। तीनों चीज का आपको घर के हिसाब से कराना होता है। पुलिस के साथ जाओ, कल से आपको दो पुलिस दे रहे हैं, दो पुलिस क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पे? वो कल से आप क्या करो ना, देखो आप लोग घर घर जाते हैं, लेकिन वो लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बताते हो? वही हम लोग कह रहे हैं, आप लोग सर समझे, हम लोग दिक्कत से बता रहे हैं, अगर आपको दर्द करो लेते तो आप लोग अच्छी बात नहीं ना, आप लोग को तो सभी हो जाए, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे। क्यों उत्तरापुर में भी कोई भी तैयार नहीं हो रहा, इतना हम लोग बोल रहे सर तब भी नहीं तैयार हो रहा, इधर का पूरा उधर से मांगे भी कॉन्स्टेबल साहब लोग भी गए, उसके बाद भी वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे। आपने क्या घर जाकर के क्या बात करते हो? राजा कितना आशा आप एक ही है क्या? एक दिन अचानक तो सांस फूलेगा, मर जाएंगे, कोई दवा है नहीं। यहाँ रही तो इतना मतलब नहीं जाती था, यहाँ तक मैं उसको दे कर दिया, मैं खुद मुस्लिम हो जाती। कैसे क्या प्रूफ है कि आप मुस्लिम हैं? अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? उससे क्या बहस नहीं करनी है। जैसे कोरोना का संक्रमण चल रहा है, बढ़ रहा है, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी है टेस्टिंग करना। तो शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, तो गोरखपुर जनपद में हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, और ख़ास तौर पर शहरी एरिया जो है, जो एपी सेंटर बन गया है हमारे टेस्ट संक्रमित व्यक्तियों का हर दिन, उसी को एड्रेस करने के लिए हमने जो 22 अर्बन PSCs हैं, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब पर टेस्टिंग हो रही है। सप्ताह में 5 दिन हम टेस्टिंग करा रहे हैं और हर दिन निःशुल्क टेस्टिंग हो रही है, तो आसपास के रहने वाले निवासी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर टेस्ट करा सकता है। तो टेस्टिंग कैसे हो रही है, कैसे उसको कर रहे हैं, तो उसी को देखने के लिए DM सर के साथ हम गए थे, और आज भी हमने हमारे अमीन लेखपालगण और राजस्व विभाग की टीम को भी लगा रखा है, ताकि ये जो 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब पर टेस्टिंग हो और अधिक से अधिक संख्या में लोग टेस्टिंग अपनी कराएं। सर आशा वर्कर को आशा ANM आंगनवाड़ी, क्योंकि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ये जुड़ी हुई हैं, एरिया के बारे में जानकारी है, और ख़ास तौर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, उस पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग हो जाए,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए आशा ANM भी काम कर रही हैं, लेखपाल अमीन भी काम कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार न्यायिक सुनीता के नेतृत्व में पूरा ये चल रहा है कि हम इस पर पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि प्रत्येक दिन 3000 से अधिक टेस्ट हम शहर में कराएं। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक दिन टेस्ट हो रहे हैं। विभिन्न एसोसिएशन, व्यापार मंडल, बलदेव प्लाज़ा, शाही मार्केट, बलोटिया मार्केट, सभी के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है। सभी से हमने आग्रह किया है कि उन लोग वहाँ पे कर्मचारी काम करने वाले और वहाँ के लोगों का टेस्ट कराएं, अधिक से अधिक टेस्ट कराएंगे तो तभी हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं।